Radha, 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 Radha.
सर्वोत्कृष्ट भाव का नाम है श्री राधा, और ये भाव बिना उनको चरणों के सहारा लिए बिना आ नहीं सकता, क्यों श्री कृष्ण भी जिसके वश में है। श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से कहीं आते जाते हैं, किसी मंत्र के वश में नहीं, परम स्वतंत्र हैं। जाको न मंत्र महा जो स्वतंत्र, भयो वश मंत्र सोई श्री राधा। इसीलिए श्री राधा भाव को रसिक जन इस बात से भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की रमन इच्छा ही साक्षात श्री राधा भाव है। जिसमें वह रमन करते हैं अपनी ही इच्छा अनुसार, वो है राधा भाव। प्रारंभ में वैधि भक्ति, जब साधक पूरे धर्म के आचरण के अनुकूल जीवन व्यतीत करता है तो वही वैधि भक्ति आगे चलकर रागानुगा भक्ति में परिणित हो जाती है। इसको यूँ भी कहें कि जैसे कोई कच्चा दूध हो, कच्चे दूध को जब उबाला जाता है तो उसमें से जो अतिरिक्त पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और उबला हुआ दूध और भी कामयाब हो जाता है। वैधि भक्ति करते करते जब अंदर की खोट निकलनी शुरू होती है तब व्यक्ति साधक राग तक पहुंच पाता है, और फिर यही रागानुगा भक्ति आगे चलकर जब अपनी परिपक्व स्थिति में पहुंचती है तो यही भाव में परिणित हो जाती है। यानी उबले हुए दूध को भी जब हम और कढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी पानी रह गया हो वो भी भाप बनकर उड़ जाता है, और वही कढ़ा हुआ दूध इतना गाढ़ा हो जाता है, कई जगह तो इसे बासुंदी के रूप में ग्रहण किया जाता है, बासुंदी के रूप में खाया जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है। कढ़ा हुआ दूध दूध वही है, लेकिन अब उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, साधक वही है। लेकिन वैधि भक्ति करते करते रागानुगा भक्ति, और फिर यही भक्ति जब भाव में परिणित हो जाती है, फिर कह रहा हूँ दूध वही है लेकिन अब बहुत फर्क आ गया, अब साथ में एक शब्द और जुड़ गया कि ये दूध कढ़ा हुआ है, और कढ़े हुए दूध को भी जब और अधिक उसे उबाला जाता है वो भी मंदी आँच पर, धीमी आँच पर, तो वही कढ़ा हुआ दूध रबड़ी और उसके बाद मावा में परिणित हो जाता है। दूध वही है, स्थिति का फर्क है। वैसे साधक वही होता है, लेकिन जो जो साधना उपासना का क्रम बढ़ता जाता है उसकी स्थिति का, उसके मानसिक स्थितियों का, उसकी मानसिक वृत्तियों में यही अंतर आने लगता है कि वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति में, यानी राग जीवन में आ गया, और यही रागानुगा भक्ति भाव में जब परिणित हो जाती है तो बात बहुत आगे बढ़ जाती है। हमारे यहाँ भक्ति शास्त्रों में जो मान्य पांच भाव हैं, शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और माधुर्य भाव, जब यही और भी गाढ़े हो जाते हैं यानी कि अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो बन जाता है यही गोपी भाव, यानी जो कढ़ा हुआ दूध था अब रबड़ी हो गया। और जब यही भाव, ये जब गोपी भाव भी अपनी परिपक्व स्थिति में राधा भाव कहलाता है, उसी में परिणित हो जाता है, यानी रबड़ी से अब वो मावा हो गया, दूध वही था लेकिन इतना परिवर्तन कि मावा थोड़ा ही बनता है। इसे राधा भाव अपने आप में ये श्री कृष्ण की रमन इच्छा का परिणाम। और रसिक लोग ऐसे भी कहते हैं कि 16 सहस पीर तन एके राधा कही ये सोए। एक एक गोपियों के मन में जो पीड़ा है, वेदना है, प्यास है, उत्कंठा है श्री कृष्ण के मिलन की, ऐसी 16,000 गोपियों की वेदनाओं को जब इकट्ठा किया जाए तो वो श्री राधा बनती है, ऐसी रसिकों की मानना है। लेकिन ये राधा भाव की अनुभूति, ये गहन चिंतन एवं अंतरंग साधन से ही संभव हो पाती है, और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें श्री राधा जी के चरणों का सहारा लेना ही पड़ेगा। और श्री राधा जी के चरण क्या हैं? एक चरण है ज्ञान और दूसरा चरण है बैराग। जब तक ज्ञान ना हो, बैराग ना हो, इस स्थिति तक पहुंचना असंभव है। ज्ञान किस चीज़ का? सत, चित और आनंद।
बस इसी का, और सच्चित आनंद को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बैराग हो जाए तो बात बन जाती है। इसलिए रसिक ये भी कहते हैं, तमन्ना है कि मरते वक्त हम भी मुस्कराते रहें, जो तमन्ना है कि मरते वक्त हम भी मुस्कराते रहें, ये दोनों चरण हो हृदय में जब दुनिया से जाते हों, ये दोनों चरण हो हृदय में जब दुनिया से जाते हों। राधा राधा
प्रतिपालन करन और तिनके महाविष्णु और तिनके नारायण प्रति तिनके महाविष्णु तिनके नारायण प्रति और तिनके गोलोकपति सुख के भरण हैं ये सब हारी जू हमारी श्री राधा की शरण बिहारी जू हमारी राधा रानी की शरण तारण तारण दुख दारिद्र दरन तारण तारण दुख दारिद्र दरन मंजू सुख के भरन राधा रानी के चरण हैं सुख के भरन राधा रानी के चरण राधा 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 Radha 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 Radha, 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 Radha.
कैसे हैं ये चरण? अष्ट सिद्धिदायक है संतन सहायक है, अष्ट सिद्धिदायक है संतन सहायक है, षष्ठी ही के नायक है आनंद करण है, षष्ठी ही के नायक है आनंद करण है, दरनु है कल के कलेशन के जाल हाँ, ये दुख ये क्लेश ये मानसिक संताप कब तक? जब तक हम श्री राधा के चरणों के शरण नहीं होते, यानी जब तक ज्ञान और वैराग जीवन में नहीं आते, ये कली के ये कलिकाल के दुख क्लेश संताप बने ही रहते हैं। दरनु है कली के कलेशन के जाल हाँ, करत निहाल लीनी आन ये शरण है, करत निहाल जिन लीनी ये शरण है, दास द्रग रंजन है हल गन गंजन है, कंज लख हारे लाल कांति हरण है, कमल की भी लालिमा को विनिंदित करने वाले, कंज लख हारे लाल कांति हरण है, धीरज धरन हारे ऐसे नाव निहारे, जैसे तारन तरन राधा रानी के चरण हैं, तारन तरन राधा रानी के चरण हैं, राधा 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 राधा।
किशोरी जी के चरणों का ये सूक्ष्मतम रूप ज्ञान और वैराग्य, फिर उन्हीं चरणों को जब हम वांग्मय विग्रह में देखते हैं तो सूक्ष्मतम रूप क्या है, उनके चरणों के चिन्ह कैसे हैं। एक चरण में 11 चिन्ह हैं, दूसरे चरण में 8 चिन्ह हैं। रसिक जितने भी भक्त हैं ये चरण चिन्हों का ही ध्यान अधिक लगाते हैं। जौ चक्र रेखा ध्वज कमल महोपलता, जौ चक्र रेखा ध्वज कमल महोपलता, अंकुश बल्ली इंदु छत्र के धरन है, अंकुश बल्ली इंदु छत्र के धरन है। एक चरण में 11 चिन्ह कौन से, उनके अंगूठे के पास जाओ, उसके नीचे चक्र, उसी के थोड़ा नीचे छत्र, और फिर कंकण और पुष्प और एड़ी के पास आधा चंद्रमा, उनकी दो उंगलियां मध्यमा और उसके बगल वाली के बीच में कमल, थोड़ा बगल में ध्वजा, और एक तरफ अंकुश और उसी के नीचे पुष्पवल्लरी, और एक ऊर्ध्व रेखा जो ऊपर से नीचे आधे पांव से अंगूठे तक जाती है। ये 11 चरण चिन्ह एक पांव में और दूसरे पांव में। मीन रथ पर्वत गदा शक्ति शंख वेदी कुंडलानु बेंदी पी मनहरन है। दूसरे पांव की एड़ी में मत्स्य यानी मीन मछली, उसी के ऊपर रथ एवं ऊपर की उंगली के पास पर्वत की श्रृंखलाएं, रथ के एक तरफ गदा दूसरी तरफ शक्ति, एवं अंगूठे के पास शंख और तर्जनी उंगली के नीचे यज्ञ वेदी, शक्ति तथा यज्ञ वेदी के बीच में कुंडल, ये 8 चिन्ह। फिर से कहूँ, जब चक्र रेखा ध्वजा कमल महोपलता, अंकुश बल्ली इंदु छत्र के धरन है, मीन रथ पर्वत गदा शक्ति शंख वेदी कुंडल अनूप बेंदी पी मनहरन है। लाल बलबीर गुन गावे ध्यान लावे सदा, लाल बलबीर गुन गावे ध्यान लावे सदा, रसिक प्रवीणन के उर आभरण है, रसिक प्रवीणन के उर आभरण है। आनंद करण जन भ्रमना हरन, आनंद करण जन भ्रमना हरन, वंदो नव दस चिन्ह युत राधे के चरण है, नव दस चिन्ह युत राधे के चरण है। फिर कह दूं, आनंद के करण जन भ्रमना हरन यानी साधक के जीवन से संशय वहम ये संदेह कब समाप्त होते हैं, जब तक ज्ञान का उदय ना हो, बिना ज्ञान के उदय के संशय और वहम बने ही रहते हैं, इसलिए श्री राधा का चरण एक भी आ जाता है तो जन भ्रमना हरण, ऐसे 9-10 युत चिन्ह राधे के चरण हैं। राधा 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 राधा।
पद रज अनुराग श्री राधा अब ते हुमहे तो पद रज अनुराग आपके ही चरणों की रज का अनुराग क्यों क्यों चाहती हूँ जाते इह पर भोगते जाते इह पर भोगते होए उदय बैराव इनके चरणों आपके चरणों की रज का जो अनुराग मुझे प्राप्त होगा तो उससे ये विषय भोग वासनाओं की जो कामनाएं हैं मेरे मन के अंदर अंतःकरण में ऐसा वैराग उत्पन्न होगा कि और कुछ पाने की भावनाएं कामनाएं सब समाप्त हो जाएंगी। जीवन में जब वैराग आ जाएगा मेरी बात बन जाएगी ज्ञान से मेरे संशय और वह विनाश हो जाएंगे और वैराग से किसी और चीज़ की भोगने की कामना वासना सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए श्री राधा अब ते हूँ मोहे तो पद रज अनुराग जाते इह पर भोग में होए परम बेरा होए उदय बेरा राधा 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 राधा
श्री राधे जी के चरणों की उपमा देने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन इतने महान से महानतम चरणों की उपमा कैसे दें? प्रयास असफल होते हैं। भक्त कहता है, जौ पे अरविंद से बताऊं वृषभानुजा के। अरविंद कहते हैं कमल को, लेकिन वो कमल जो रात को खिलता है, बिना सूर्य के जो खिलता है वो कमल, उसके अंदर कांटे भी होते हैं। इसलिए भक्त कहता है, हे स्वामिनी जी, आपके चरणों की उपमा अरविंद से कैसे दूं? उसके अंदर तो कांटे होते हैं, लेकिन आपके चरण इतने सुकोमल, यहाँ तो किसी भी प्रकार का कंटक है ही नहीं। जौ पे अरविंद से बताऊं वृषभानुजा के, सकुच निशा में तन कंटक धरन है। सकुच निशा में तन कंटक धरन है। और विद्रुम चुनी मन माणिक बताऊं जड़। यदि इन चरणों की उपमा माणिकों से, जवाहरात से दी जाए, ये सब माणिक जवाहरात तो जड़ हैं और आपके चरण चेतनता प्रदान करने वाले हैं। विद्रुम चुनी मन माणिक बताऊं जड़, कहा मृदुताई पाई सौरभ चरण है। कहा मृदुताई पाई सौरभ चरण है। चरण केवल कोमल ही नहीं, ऐसे सुरभित, ऐसी खुशबू प्रदान करते हैं कि साधक का जीवन महक जाता है, महक उठता है उसका जीवन। कहा मृदुताई पाई सौरभ चरण है। लाल बलबीर नखचंद से बताऊं जो पे। यदि इनके चरणों के नख की उपमा चंद्रमा से दी जाए, तो चंद्रमा में काली माँ है, और दूसरी बात, दिन को वो दिखाई भी नहीं देता, यानी उससे बढ़कर किसी की रोशनी आ जाए तो वो दिखाई नहीं देता, और उसके अंदर काली माँ भी है। और श्री राधा रानी के चरण क्या है, कुछ सकल ब्रह्मांडों को, जितने भी ब्रह्मांड है उनको, उनकी चरण की एक किरण से सारे ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए लाल बलबीर नखचंद से बताऊं जो पे। दिवस मलिन बहु काली महरन है। दिवस मलिन बहु काली महरन है। उपमा ना आवे समको दस चार लोक। उपमा ना आवे समको दस चार लोक। ये 14 भवन में उनकी उपमा दी ही नहीं जा सकती,
इसलिए राधे के चरण ऐसे राधे के चरण हैं, राधे के चरण ऐसे राधे के चरण, उनका कोई मुकाबला है ही नहीं, विकल्प है ही नहीं। राधा 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 बरसाने की करुणेश्वरी हृदयेश्वरी करुणेश्वरी हृदयेश्वरी रस सरसाने की रस सरसाने की राधा 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 बरसाने की श्याम से याचक श्याम से याचक यहाँ नित डोला करे श्याम से याचक यहाँ नित डोला करे विनती करे मनाने की
विनती करे मनाने की। श्याम सयाचक यहाँ डोला करे विनती करे मनाने की। तीन चरणन के दासन की दास में, तीन चरणन के दासन की दास में, श्री राधे करो कृपा निभाने की। जय हो श्री राधे कृपा करो निभाने की, कृपा करो निभाने की। क्यों श्री कृष्ण से याचक यहाँ नित डोला करें और विनती करें मनाने की, क्यों यहाँ डोलते हैं और श्री राधा को ही मनाने की चेष्टा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, लेकिन किसके लिए? जब तक मन में प्यास ना हो उसे पाने की, तब तक ये सब चीज़ होते हुए भी उसकी कोई उपयोगिता नहीं हमारे जीवन में। और श्री राधा क्या है? एक प्यास है। बैराग का मतलब कोई घर बार छोड़ना नहीं, कपड़े बदल लेना नहीं, ये तो ऊपर का बैराग है। भक्ति शास्त्रों के अंदर बैराग का मतलब कि एक से ही इतना राग हो जाए कि और सब चीज़ों से अपने आप बैराग हो जाए। आज के ज़माने में देखते भी हैं, सुनने में भी आता है, किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए, चाहे लड़की वो गरीब घर की हो और वो खुद धनाढ्य हो, लेकिन वो प्यार एक से इतना राग हो गया कि उसके लिए अपना घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों एक से ही इतना राग हो गया? भक्ति शास्त्र में बैराग का मतलब भी यही, कुछ छोड़ना नहीं है, एक से इतना राग हो जाए कि और चीज़ों से अपने आप बैराग हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ याचक बनकर क्यों डोलते हैं? वे जैसे कहना चाहते हों, हे स्वामिनी जू, हे प्रिया जू, इन जग वालों को मांगना नहीं आता, ये कुछ जानते नहीं, भौतिक पदार्थों की ही उपलब्धियाँ इन्हें हो जाए, सांसारिक सुख भोग पदार्थ इन्हें मिल जाए, ये सब इसी की कामना करते हैं। और तुम्हारे चरण क्या है? एक ज्ञान और एक बैराग। इस बात का इन्हें पता चल जाए कि इन सांसारिक भोग पदार्थों से कहीं अधिकाधिक आनंद कहाँ है। और बैराग का मतलब ये भी कि निज सुख सुखित्वम नहीं तत् सुख सुखित्वम, जिससे प्यार करे, जिसके प्रति राग हो उसे सुख कैसे मिले, ये भावना, सुख को अपनी ओर खींचना ये वासना है, और सुख अपने प्रीतम की ओर भेजना ये उपासना है, इसी को बैराग कह देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ याचक बनकर डोलते ही रहते हैं, राधा राधा राधा। Yeah, mama.
जब इन चरणों की इतनी मधुरिमा और महिमा, तो भक्त लोग भी अपनी भावनाएं, उनकी भावनाएं कहती क्या है, उनकी अभिलाषा क्या है, मनोवांछा क्या है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, 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 किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, 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 श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज श्री संकादिक सेवत, जो रज शिव संकादिक सेवत, जो रज श्री संकादिक याचत, जो रज शिव संकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाओ, सोरज शीश चढ़ाओ, सोरज शीश चढ़ाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, 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 विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, 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 किशोरी तेरे
रज पाऊं। किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। राधा 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 Shama, 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 Shama